देख रही हो अम्मा? भैया भौजी का फोटो? हाँ। भौजी कितने सुंदर लग रही है ना? लेकिन चेहरा सुंदर होने से का होत है, चरित्र भी तो साफ होना चाहिए। लेकिन ई चरित्रहीन ने इन दोनों खानदान का नाक काट के रख दिया है, और तो और अपना पाप छुपाने के लिए किसन पर इल्जाम लगा रही है। छी, कितना नीच है। अम्मा तुम भी एक औरत हो और एक लड़की की मां हो, एक बार भी ई नहीं सोचा कि भौजी जो कह रही है सही कह रही है? तू कहना कहा चाहती है? का हमार किशन भाई ऐसा करेगा? भैया ऐसा करेंगे नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा किया है। ये बात के सबसे बड़े गवाह हम हैं। तू क्या बक रही है? बाबूजी हम बक नहीं रहे, हम सच कह रहे हैं। हम ही दोनों को खेत में मिलवाए थे, वो भी भैया के कहने पर। तू सच कहते ना? बाबूजी हम अपने सुहाग की कसम खाकर कहते हैं। का? हे भगवान, ये हमसे का अनर्थ हो गई। वो बेचारे को हमने क्या नहीं कहा, अब का मुंह लेके जाए रघुराज जी के पास। का राजेश, खेत का काम ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है बाबूजी। अच्छा अच्छा। मालिक मालिक की देखो कौन आ रहा है। अरे कौन आ रहा रे, जेकर खाते हो तो चारा डाल का हाथ भी नहीं धोया है? वो दुर्गापुर के मुखिया ठाकुर साहब। शमशेर सिंह जी, और ये कैसे आ गए? चलो भाई आवा 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 आवा। जय राम जी की। जय राम जी की। और कैसे हैं आप जी? बहुत बढ़िया। अरे ये सब कहाँ है ठाकुर साहब? मिठाई है। शायद हमारी इज्जत उतारने में कुछ कमी रह गई है, या हो सकता है जो घर के अंदर है वो पूरे गांव में फैलाना चाहते हैं। राजेश, दरवाजे पे आया हुआ हर मेहमान भगवान होता है, और उनसे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। दरवाजे पर आने वाला हर मेहमान भगवान नहीं होता है बाबूजी। और आप ही बताइए, ऐसे मेहमान का कैसे स्वागत करना चाहिए, बताइए आप मुझे। करिया, इनके ऊपर फूलों की बारिश करो। हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालने वाले, हमारी बहन को चरित्रहीन कहने वाले दुर्गापुर के मुखिया शमशेर सिंह जी आए हैं। अच्छा, अपना मुंह बंद रख और जाके जलपान की व्यवस्था कर। चलिए ठाकुर साहब, चलते अंदर। ठाकुर साहब, राजेश की बात का बुरा मत मानना, बच्चा है भी। अरे मुखिया जी, उसकी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही कहता, गलती इंसान से होती है, हमसे भी हुई है। आज तो हम राधा बेटा का गौना तय करने आए हैं। आप सच कह रहे हैं ठाकुर साहब? अब मैं क्या बताऊं आपको, आज हमारे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। राधा बिटिया तो ये बात अपने दिल से लगा ली है कि आप उसकी हालत देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। अब पाए लगो बाबूजी। सदा सुहागन रहा बहू, कैसी हो? बस बाबूजी, आपका आशीर्वाद मिल गया, यही हमारे खातिर बहुत है। वो सब तो ठीक है ठाकुर साहब, गौना की तारीख तो तय कर ली जाए। आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली ठाकुर साहब, लेकिन इस बात से पहले हम आपका मुंह मीठा करेंगे, फिर गौने की तारीख पक्की करेंगे। मुंह मीठा तो हम भी कराएंगे ठाकुर साहब, इसके बिना मजा नहीं आता। मुबारक हो। आइसक्रीम खा के सुबह सुबह कहाँ गया था? सब्जी भाजी लेने गया था मालिक। ठीक है, जा अंदर। जी मालिक। पर राम मुखिया जी। खुश रहो बेटा मदन, सुना आजकल तू बड़ा आवारा गर्दी करने लगे हो। तुम्हारे बारे में सुनता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है, कल तो हर माई बतावत रही। हमने सुना गौना का तारीख पक्का हो गया। हाँ बेटा हो गया। और हमने ये भी सुना है कि कौनो बात का बतंगड़ हो गया मुखिया जी। नहीं, ये सब तो शादी ब्याह में होता ही रहता है। हाँ ये सब तो ठीक है मुखिया जी,
और कोनो खास परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोनो परेशानी नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। प्रणाम। खुश रहो। अरे कार खरखेजवा, काहे बुलाया था? का चाचा फिर खरखेजवा कह रहे हो हमको? अच्छा भाई, अब नहीं कहूँगा। का है ये नाम तोहरे ऊपर फिट बैठता है। हाँ बोल, का समस्या है? चाचा ये देखा तांत्रिक महाराज कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हमारा 5,000 रुपया अब तक हवन कुंड में स्वाहा हुई गवा है, और उधर राधा का गौना पक्का हो गया है। हाँ का है महाराज, ये जो खरखेसवा है ना, मतलब मदन, हमारा बेटा है। एक उल्लू मत बनाओ। हाँ अगर आपसे नहीं हो सकता है तो ना ही बोलो। ये बेचारा का दिल का मामला है। अगर उल्लू बनाने के लिए आपको ग्राहक चाहिए तो हमको बोलो ना, हम एक और शादी काटेंगे और आप उस टूटे शादी को जोड़ने के नाम पर हलाल करो। कमाई 50-50, मस्त धंधा चलेगा महाराज। हाँ बच्चा, सबसे बड़ा विश्वास होता है ये तंत्र मंत्र धंधा नहीं है। तुम्हारी तरह हम 3 का 13 नहीं करते। लगता है महाराज आप बुरा मान गए हैं। बुरा नहीं माने, समझा रहे हैं। इधर मंत्र पढ़ते ही गौना रुक जाएगा, लेकिन हमारा बाकी का पैसा भूलना नहीं। ओम ब्रिंग ब्रिंग चंदाय, ओम विचाय नमा, ओम। अरे रामू, जरा भैंसवा को चारा ज्यादा देना तो दुधवा ज्यादा देगी। जी मालिक। मालिक, किशन बाबू की चिट्ठी आई है। हाँ, हमरे बेटवा किशनवा की तो है। आदरणीय बाबूजी चरण स्पर्श, आपको मालूम हो कि हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। आप अम्मा, दादाजी और कुसुम को लेकर आ जाइए। आपका बेटा किशन। मालिक 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 मालिक। ओम सारा, ओम जय नमः, ओम काली नमः, ओम ओम निंग एक निंग, ओम जमजान निंग आसा, ओम सारा, ओम सारा। प्रणाम महाराज। खुश रहो और सुनाओ क्या हाल है दुर्गापुर का? दुर्गापुर का हाल तो बेहाल है महाराज। हाँ किशन वहाँ शहर में दूसरी शादी कर रहा है। और मुखिया जी, वो तो चिट्ठी पढ़ते ही बेहोश हो गए थे। देखिए अब बेचारी राधा का क्या हुई है, वो तो राम जाने। ठाकुर साहब क्या कह रहे थे? अरे वो कहीं सुनने के लायक ही नहीं बच्चे, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। लगता है अपना काम हो गया। लेकिन बच्चा अपना पैसा भूल मत जाना, जो सांप का जहर रखता है वो दवा भी रखता है। महाराज आप चिंता मत करो, अब अपना टाइम आ गया है। अरे अब तो आपको खुश कर दूंगा। जाओ बेटा राजेश, और बाजार से जल्दी आ जाना। ठीक है बाबूजी। अरे ओ राधा की अम्मा। हाँ। अरे भाई राधा बिटिया के गौने की तैयारी जल्दी जल्दी करना है। तैयारी क्या करना है, तैयारी तो सब कुछ हो चुका है। बेड आ ही गया है, बाकी जो बचा है उसका लिस्ट बनवा के दे दीजिए। और हलवाई को बोले कि नहीं कि मिठाई टाइम पे आके बना जाए? सब हो गया है, फिर भी हम राजेश को उसको चेतावनी खातिर एक बार वहाँ भेज देंगे। और राधा बिटिया कैसी तबीयत है तुम्हारी? अच्छी है बाबूजी। मालिक मालिक, वो मदन बाबू। इस शुभ मौके पर और कोई नाम नहीं मिला तो का लेने को क्या? हम नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आपसे मिलने खातिर आए हैं। ये क्या करने आ रहा है पता नहीं है। तोरे पाँव में काटा गड़ जाई, अब्बड़ तोला पीता आई। प्रणाम मुखिया जी। चाची प्रणाम। लगता है गौना की तैयारी चल रही है। हाँ बेटा। अच्छा है मुखिया जी, दुर्गापुर का कौनो समाचार पता चला कि नहीं? हाँ का हुआ, सब ठीक है ना? चाची अबे बताते हुए हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है। जो बकना जल्दी बक, भूमिका क्यों बना रहा है? चाची, शहर से किशन की चिट्ठी आई है,
शहर की छोकरी से शहर में शादी कर रहा है। नासपीटे, तुझे और कुछ कहने को नहीं मिला का? तो इमा हमार का गलती है चाची, जौन खबर हमका पता चले हम एक बता दिए। हाँ ठाकुर साहब, ये बात सच है, मालिक खबर पढ़ के बेहोश ही गए थे। राधा बेटी, राधा बेटी, राधा बेटी। अच्छा मुखिया जी, अब चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये सब कहा हो गया मुखिया जी? कहा कहे ठाकुर साहब, किशन की चिट्ठी की बात सुनते ही राधा बिटिया बेहोश हो गई है। अब कहा कहे और किसको दोष दें? अब कहा कहे मुखिया जी, हम आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किशन को समझने में हमसे कहां भूल हो गई, हमें खुद समझ में नहीं आया। हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं ठाकुर साहब। नहीं मुखिया जी, हम समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? हम अपना पगड़ी उनके पैर में रख दे, राधा बिटिया की जिंदगी का उसको वास्ता देंगे। राधा बिटिया उसके बिरह में तड़प रही है, हमारा दिल कहता है ठाकुर साहब वो जरूर मान जाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं ठाकुर साहब कि चल के किशनवा को एक बार समझाएं और राधा के हाल के बारे में बताएं, शायद वो जरूर मान जाएगा। कौशल्या भी यही कह रही थी। हम अपना पगड़ी उसके पैर पर रख देंगे, राधा बिटिया के बिरह को बताएंगे, हमारी इज्जत और राधा बिटिया की जिंदगी का वास्ता देंगे। हमारा दिल कहता है ठाकुर साहब वो जरूर मान जाएगा। हम लोग वहां चलते हैं, लेकिन वो बाल विवाह को नहीं मानता। अरे बड़ा वकील बन गया है ना, इसीलिए शायद राधा बिटिया की तकदीर में यही लिखा है। मुलन चाचा, मुलन चाचा, काहे रे, तो के कोई काम धाम नहीं है का? चाची काम है तभी तो आए हैं। हो राम मिलाए जोड़ी। चाची बताओ ना चाचा कौन? हम यहाँ रखर खेसवा। का बात है रे, काबर पैजामा से बाहर हुआ था रे? अरे चाचा बड़ी अच्छी खबर है, ही आओ ना। हाँ हाँ हाँ, का हो गया रखर खेसवा?